गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ डिम्पी, ऑनलाइन क्लासेस फॉर केबीजे एकेडमी, क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट साइंस, टुडे टॉपिक क्लोथ्स, चैप्टर 7 पार्ट 3। इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 एंड 2 पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। सो क्लोथ्स मीन्स होते हैं वस्त्र या कपड़े। आज हम लोग चैप्टर 7 का 3rd पार्ट पढ़ेंगे। So start. We wear woolen clothes in winter. Woolen clothes keep us warm. For the example, cap, muffler, sweater, coat. We wear raincoat and gumboots in rainy season. They keep us dry in rain. We also an umbrella in rain season. When there is rain, gumboot. For the example, gumboots, raincoat, umbrella. आप लोग वीडियो को देखकर ऐसे ही बुक को रीड करेंगे। आइए एक बार हम फिर से इसे एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। जैसे कि इसकी पहले हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत ही आरामदायक होते हैं और समर सीजन में पहने जाते हैं। सेकेंड है विंटर सीजन। विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें वार्म गर्म रखते हैं और कॉटन क्लोथ्स ठंडा रखते हैं। कोल्ड। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। वूलन जैसे कि ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कैप। हम लोग विंटर सीजन में कैप यूज़ करते हैं, मफलर, स्वेटर, कोट, जैकेट वगैरह पहनते हैं ना। वी वियर रेनकोट एंड गमबूट्स इन रेनी सीजन। वी वियर रेनकोट एंड गमबूट्स इन रेनी सीजन। हम बारिश के मौसम में रेनकोट एंड गमबूट्स पहनते हैं। They keep us dry in rain. They keep us dry in rain. वे हमें बारिश में सूखा रखते हैं। जैसे कि आप लोग रेनकोट पहनते हैं, अगर रेनकोट पहनकर बारिश में जाएंगे तभी आप भीगेंगे नहीं, वो हमें सूखा रखते हैं। We also an umbrella in rain season. We also an umbrella in rain season. हम बरसात के मौसम में एक छतरी का उपयोग करते हैं। जैसे कि बारिश होती है तो हम लोग रेनकोट पहनते हैं और भी तरह के तरीके से बचने के लिए, जैसे कि अम्ब्रेला यूज करते हैं ताकि हम बारिश से भीगे ना। व्हेन देयर इज रेन, जब भी बारिश होती है हम छतरी का उपयोग करते हैं एंड रेनकोट का यूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल जैसे कि गमबूट्स, रेनकोट, अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें हम रेनी सीजन में यूज करते हैं। सो ये चैप्टर 7 का 3rd पार्ट है। आप लोग वीडियो को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और बुक को रीड करेंगे। जैसे जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी वो आपसे पूछेंगे। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और पिक्चर फिलअप करने को बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।